कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। कानून है, कानून के रखवाले हैं, लेकिन सब ठेंगी पर, जी सब भाड़ में जाएं, फैसला तो ऑन द स्पॉट होकर ही रहेगा। देखिए कैसे भीड़ ने फैसला कर लिया, बांध दिया इस शख्स को पेड़ से, दे दी सजा, पहले जमकर मारा पीटा, फिर क्या किया आप खुद ही देख लीजिए। भीड़ भी देख रही है, तमाशबीन बनी है। इस शख्स का गुनाह क्या था आपको बताएंगे, पहले ये जानिए कि तालिबानी अंदाज में सजा देने का ये मामला कहां का है। ये तस्वीरें हैं उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके की, पुलिस लाइन से महज कुछ ही दूर की। जी बिल्कुल पास में है खाकी, लेकिन लोगों ने खुद ही उठा ली है लाठी और बन गए न्याय के देवता। अब जानिए किस जुर्म की ये सजा है, कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या कर दिया, खुद उसकी ही जुबानी सुनिए। चोरी की है, कर बग दिन नहीं की है, कैसे सामान बिखरा पड़ा, मसाला ले गए थे, बस मसाला ले गए थे, बाकी भैया फोन नहीं ले गए, फोन नहीं ले गए, पक्का गजब है भैया गजब। पापी मसाले की लत ने जनाब को चोरी करने पर मजबूर कर दिया, और नहीं तो जनाब बेहद सादगी के साथ सफाई भी दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चुराया, सिर्फ मसाला लिया है। दरअसल पुलिस लाइन के पास रहने वाले कल्लू के घर में परचून की दुकान है। आरोप है कि युवक ने उसके घर में घुसकर सिगरेट, पान मसाला और मोबाइल उठाया और भागने लगा, लेकिन कल्लू ने उसे भागते हुए देख लिया, फिर क्या था, पकड़ में आ गए जनाब, और फिर मिल गई ये सजा। और इतना ही नहीं, इस सजा का बकायदे वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। सोशल मीडिया में मामला फैलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया, उनकी ओर से दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली के अंतर्गत पुलिस लाइन के पास रहने वाले पल्लू पुत्र यासीन, जो परचून की दुकान चलाते हैं, कल उनके घर में शुभम तिवारी पुत्र संतोष तिवारी, जिसकी उम्र 26 साल है, वो घर के अंदर से सिगरेट, गुटखा, मोबाइल, फोन चुरा के ले गया। जिसकी जानकारी कल्लू को होने पर कल्लू ने शुभम को अपने घर बुलाया और उपरोक्त सामान बरामद करने के साथ ही रेहान के माध्यम से शुभम तिवारी का सिर मोड़ दिया। इसके संबंध में पुलिस को जानकारी होने पर पुलिस ने शुभम तिवारी और रेहान को हिरासत में लेकर दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। उन्नाव से विशाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।